पहले लाडली बहना योजना, उसके बाद लाडली बहना आवास योजना, और उसके बाद कैबिनेट में जो फैसला है महिलाओं को लेकर, वो उसे सबसे बड़ा फैसला कहा जा रहा है। चुनावी साल में शिवराज सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला, महिलाओं का जो आरक्षण है नौकरियों में उसको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है मध्य प्रदेश में। और इसे सबसे बड़ा फैसला इसलिए भी कहा जा रहा है कि इस चुनावी वर्ष में आप लगातार देख रहे हैं महिलाओं को सीएम सौगात दे रहे हैं। शिवराज कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया है और कैसे सरकारी नौकरियों पर इसका असर पड़ेगा और महिलाओं को कैसे ये बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है ये भी मैं आपको बता दूं। दरअसल मध्य प्रदेश में 35% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को, सीधी भर्ती होगी जो सरकारी नौकरी होगी उसमें 35% आरक्षण देने की बात कही जा रही है। और ये प्रावधान कर दिया गया है, पुराने प्रावधान को बदल दिया गया है, संशोधन हुआ है अधिनियम में 1971 के। अब इसको आप ऐसे समझिए कि मध्य प्रदेश में पहले जो 33% आरक्षण था सरकारी नौकरियों में, हालांकि अलग अलग विभागों में आरक्षण अलग था, पुलिस भर्ती में अलग आरक्षण था, कहीं पर 30% आरक्षण था नौकरियों में, अब मध्य प्रदेश में मान लीजिए 100 नौकरी निकलती है तो 35 जो पद होंगे वो महिलाओं को दिए जाएंगे, यानी 35 पदों के लिए ये आरक्षण मध्य प्रदेश में प्रावधान कर दिया गया है और कैबिनेट में ये बड़ा निर्णय लिया गया है। इसको आप ऐसे भी समझिए कि चुनावी साल में एक तरफ जहां केंद्र सरकार संसद में 33% आरक्षण वाले विधेयक को पास कराने में सफल रही, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अब शिवराज सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को सीधे भर्ती में 35% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया गया है। इसके बड़े मायने देखे जा रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में महिला वोटर जो है वो चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, और पहले जो चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश में, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो या तमाम योजनाएं हैं, उनका असर जिनका सरोकार सीधे महिलाओं से है उसका असर चुनाव में होता हुआ नजर आया है और सीएम शिवराज सफल भी नजर आए हैं। तो एक बार फिर चुनावी वर्ष में नौकरी चूकी सरकारी नौकरियों में जो है अगर भर्ती में महिलाओं को 35% जगह दी जाएगी तो इसके मायने आप समझ सकते हैं कि सीधे तौर पर महिलाओं को लेकर ये बड़ी सौगात है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि चाहे लाडली बहना योजना हो उसमें राशि बढ़ाई सीएम ने, उनको लगा जिस तरीके से फीडबैक है मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जो है उसका रिस्पॉन्स है महिलाओं के बीच में, तो उसी तरीके से अब लाडली बहना योजना को और विस्तारित करते हुए आप इसको ऐसा मान लें कि महिलाओं को सीधा संदेश देने के लिए एक बड़ी सौगात दी गई है और चुनावी साल में इसे एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। आप देखते रहे एमपी तक का।